दौड़ा में हाँ भैया, अभी आप लोग माननीय बलवंत राज भैया से बड़ा अच्छा प्रसंग सुने। नारद होना इधर की उधर लगाना, चलो नारद की परिभाषा हो जाए। नारद कहते उसे जो नारद हो कभी। मुखारविंद से सुने बा नारद शाब्दिक अर्थ जो रद ना हो, नारद। तो बाबूजी सत्य ही एक ऐसा शब्द है जो कभी सत्य रद्द नहीं होता है। आज जो ये मीडिया कर रही है सतयुग त्रेता युग और द्वापर में, नारद जी मीडिया बाजी करते। एक दिन नारद जी हाथ में अपन सितारा लिए श्रीमन नारायण नारायण की जाप लगाते हुए रटन लगाते हुए अयोध्यापुरी में पहुंच गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके अपने लघु भ्राता लक्ष्मण अर्धांगनी सीता के साथ वापस आ गए हैं। तो नारद जी रामचंद्र जी से कहते क्या हैं कि जो देवता है वही है पितर, जो है पितर वही देवता कहते। पितर श्राद्ध पा करके खुश होते हैं, श्राद्ध करता के राम सुफल रोशन पितर पक्ष का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवध के सिंहासन पे गद्दी पे विराजमान है। उसी समय महामुनि नारद जी श्रीमन नारायण 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 के रटन लगाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के सामने हाजिर हो गए। महामुनि नारद जी को देख करके रामचंद्र जी सिंहासन पर से उतरे, लंबियाए के चरण दंडवत ले लिए, चरण पकड़ लिए और सिंहासन पर ले जाकर के बिठाया। मुनिराज मुनिवार कैसे आगमन हुआ, साकुशल रहे ना आप? बिल्कुल साकुशल ही रामचंद्र जी, लेकिन एको दुख दर्द बताऊं।
कहीं नहीं बतावा, आपके पिताजी राजा दशरथ वनवास काल में ही स्वर्गवासी हो गए, और जो है पिता के आत्मा के शांति हेतु आपने पिंडदान किया। कहा महामुनि नारद जी, मैंने पिंडदान वनवास काल में ही पिताजी का कर दिया था। जुमला नदी और सोन नदी के संगम पर मैंने पिताजी का पिंडदान किया। कहा बेटा ये बात छोड़िए, जितना फलदायी पिंडदान गया जी का होता है बेटा जी, उतना फलदायी पिंडदान वो नहीं। तो आज दिन भी वो स्थान वनवास काल में जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम पिताजी का पिंडदान किए थे बाबूजी, आज दिन भी दशरथ घाट के नाम से प्रसिद्ध बा जुमला नदी और सोन नदी के संगम पे बा। वहाँ के वनवासी लोग आज भी अपने पूर्वजों का पिंडदान वहाँ करते हैं। जो देवता हैं वही हैं पितर। गौर करेंगे पितर सात प्रकार के होला। सुसधा, सोमपा, सुराज, आंगिरस, ये चार मूर्तवान पितर हैं। बहिर्षद, बैराज, अग्निस्वाता तीन मूर्त रहित पितर। तो बेटा नारद जी, आप पिंडदान अपने पिता के करें, क्वार महीना पितृ पक्ष में पिंडदान गया जी का बड़ा फलदायी होता है। और गौर करेंगे पिंडदान केवल कृष्ण पक्ष में बारहों महीना किया जाता है, पिंडा तीन पारा जात बा, पिता प्रापिता प्रापितामह। लेकिन यह हर एगो तर्ज बा भैया, लाइन को लिखने वाली उसकी कलम का करामात। नजरे बाज से नजरे लड़ाते माना जाता है, लेकिन गया जी का पिंडदान सबसे सर्वोत्तम होता है। सारे
सारे जहां के हिंदू भाई पुरखा तारण गया गए हैं। क्वार महीना पितृ पाक में पिंडा पारण गया गए हैं आज के टाइम। लेकिन अंतरा की लाइन में कहना अम्बा अरे ला ला रे ला रे ला रे ला रे ला 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 रे देव कहलाए हैं, श्राद्ध देवता का पद यमराज पाए हैं, सारे पितर देवताओं के भी देवता हैं। बताए के बाद तो चले गए रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी मन में सोचिन की बड़े बुजुर्ग के कहा माने के बहपुरनियन के महामुनि नारद जी के कथनानुसार नारद जी दिल में ठान अरे रामचंद्र जी दिल में ठान लिए कि मैं गया जी में जाकर अब की जो है पितृपाक को क्वार महीना के पितृपाक में अपने पिताजी के पिंडा जरूर पड़वे। लेकिन जब क्वार महीना लगल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने अर्धांगनी सीता से कहत काबा तेरी के भाव में कुछ करेगा। अरे चला हो पिंडा दनवा करी बोले राम सिया से ना कि बोले राम सिया से सोतन अपनी अर्धांगनी सीता से कहा प्राण प्यारी सीता गया जी में चल करके पिताजी का
पिंडा दान करो। वाह, लेकिन यार एगो तर्ज लगल भैया। आइल गाला मिया के दीन हो पिया, दीन हो पिया, बिनिया डोलाई सम्मानित रामराज यादव, इसी ग्राम की पवन सरजमी से बात को समझते हुए ये 100 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। भैया से नमस्ते प्रणाम बा, सब भाई नाथ से नमस्ते प्रणाम बा। अरे गाया जी में फल्गू नदी के किनारे, जाना का दुलारी जी को जाएंगे काले, दाम हो यारे दाम।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने रथ पर जना अर्धांगनी सीता जी को बिठा करके बाबूजी रथ हाँक दिया गया जी की तरफ और गया जी में पहुंचते हैं। थोड़ा दिन रह गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, सीता जी पिंडा जो है दिन में ही पारा जाता है, रात को हो जाएगा तो पिंडा जो है फलित नहीं होगा, इसलिए आप यही फल्गु नदी किनारे बैठे, अब मैं जो है जा करके दुकान से श्राद्ध सामग्री ले आई ताकि पिताजी का पिंडा दान दिन डूबे के पहले। लेकिन ए बाबूजी यार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी श्राद्ध सामग्री खरीदने गए हैं, तब तक एगो घटना घट गई ला। लेकिन फिर तेरी कहानी याद आई, काट क्या जाए बेटा, दिल देता है। दशरथ की वो आत्मा आ करके कहा, बहु बड़ी जोर से भूख लगी है, पिंडा दान करे बहु, पिंडा दान करे बहु। सीता जी फल्गु नदी को, गाय को, बरगद के वृक्ष को, केतकी के फूल को और पंडा को पांचों गवाहान के सामने बाबूजी अपने ससुर के आत्मा के लिए पिंडा दान कर दिया। और तबले लिए ला सामग्री, रघुराई आए हैं पिंडा दान के लिए।
मर्यादा पुरुषोत्तम दिन भूल गया जब पिंडा दान करे के लिए आए, तो जो है यह अर्धांगनी सीता जनक लली सीता अपने प्राणपति रामचंद्र जी से निवेदन करत बा, लेकिन तर्ज वही बनारस के बहुरंगी बजाय कर का ओरिजिनल नमूना रहा। बनारस की बहुरंगी बताया, प्रतापगढ़ राय बरेली में बेलवार बोलते हैं इसी को, लेकिन सीता जी का निवेदन की बात। आप श्राद्ध सामग्री लेने गए, पिताजी की आत्मा आई, हमसे बहुत बार कहती पिंडा दान करा, बहुरानी बड़ी जोर से भूख लगी है, बड़ी जोर भूख लगी है, तो मैंने पिताजी के लिए पिंडा पार दिया। तो यार एगो तर्ज बा भैया, सातो नदिया परवा से मोर भैया आई, नमूना रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम पूछे लगी, कहनी बतावा जनक लली, क्यों पिंडा पारक की देखी सी है? अरे कहन पांच पांच गवाह हमारे पास मौजूद है, फल्गु नदी
गाय, केतकी का फूल और बरगद का वृक्ष और पन्ना। जब इतनी बात कहा, अरे पांचो जलवा के रखवा तुम पिंडा कर ले रे भोर। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहें कि अगर पांच गवाह हैं तो जब तक पांचों गवाह हमारे सामने आए कि गवाही न दही हैं, हम माने के लिए तैयार नहीं ना। हमार पिताजी याचना ना करी नहीं है कि पिंडा बहु पार दिया, बड़ी जोर भूख ला गया है। पांचों गवाह का हमारे सामने ले आवा, ले आवा, तब हम माना बोलना ना मन चाह पी। ए बाबूजी, सीता जी अपने पांचों गवाहान का बुलावत बा, लेकिन तर्ज वही बा जो अभी बलवंत राज भैया हमरे गाए रहे, बड़ी सुंदर गाए रहे। अर्जी को रामा राय झूलानी, अर्जी को रामा राय झूलानी, सारी लाहा लाय हो जी को रामा राय झूलानी, झूलानी अपने पांचों गवाहान के बुलावत भाई और कहत काबा, अरे गवाही दिया हमारी पांचों जाने आई हो गवाही। पंडा भाई
पन्ना भाई गाय वट केट की और पंडा भाई पांचों जने आए के हमार मर्यादा बचावा बड़े धर्म संकट में हमें पति देव हमार बिना आप लोगन के गवाही के माने के लिए तैयार नहीं बा, लेकिन पांच गवाह में चार गवाह गवाही देने से मुकुर गए बा। चारों बोले हमें कुछ देखा सुना नहीं, फल्गु नदी कहिस हम कुछ नहीं जानित, केतकी के फूल कहिस कि हम नहीं देखा, हम कुछ नहीं देखा, और जो है गौ माता कहिन हम नहीं देखा, पंडा दादा कहिन हम नहीं देखा, केवल बरगद का वृक्ष कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने कि हमारे सामने सीता जी पिंडा पारिनी है, हम जो है अपन सत्य नहीं छोड़ सकता हूँ। रामचंद्र जी सुने वरगत की गवाही को संतुष्ट हो गए, लेकिन सीता जी बड़े क्रोध में हो गई। अरे तचारो दिया गवाही लारिसी आई सीता माता जी, और क्रोधित होके दीना श्राप सुनाई सीता माता जी। फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सुखी हो जाओगी, कहीं सत्यता नहीं गैया महिला मुख से खाओगी। आए फल्गु नदी, सीता ने कहा मैं श्राप दे रही हूं, तुमने सत्य बात नहीं कही है, इसलिए जो है आज से तुम सुखी हो जाओगी। बाबूजी जो गया धाम गए होंगे देखा होगा, फल्गु नदी कहने को है पानी नहीं है, लेकिन थोड़ से खोद दिया तो पानी निकल गया। और गौ माता को श्राप दिया कि जाओ मृतलोक में तू विष्ठा खाबू। केतकी फूल न जाई श्राप बताई सीता माता जी, केतकी फूल न तेव चढ़ाई जाई सीता माता जी, और पंडा जग को थकेंगे श्राप बताई सीता माता जी।
श्राप दे रही हूँ कि आज से तेरा फूल देवताओं पे नहीं चढ़ाया जाए। सत्य बात है बाबूजी, केतकी का फूल देवताओं के ऊपर सीता जी के श्राप के कारण ही नहीं चढ़ाया जा रहा। और कहा है पंडा दादा झूठ बोला है, श्राप देते ही कि तुहार जोन है आगे चल के वंशज बहुत जोन वाक पटता से अपने चतुराई से अपने जजमान का ठगिया है। लेकिन वीर रस में कहना मैं भैया और सिया महारानिया से पाई के सरपवा भैया वापस ले लिया। अरे माधुरी जुबानिया से बोली सी रानिया भैया के नीचे सीता जी आई। कहा धन है बरगद विश्व देवता महाराज, आप गवाही दई के हमार मर्यादा बचाए लेन, तो आपका हम चार जने का श्राप दीन है तो आपका चार चार वरदान देते। यही खाड़ी के भाव में आ जा वरदान दे रही सीता बरगद वृक्ष को कि अरे देई वरदान होगी लामा हर हरा भारा मोटा तना ओ व्यासी तरकारी
पहला वरदान, धरती पर जितने वृक्ष होंगे सब वृक्षों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी। दूसरा वरदान दे रही हूं आपको, धरती पर जितने भी वृक्ष रहेंगे सब वृक्षों में आपका तना सबसे मोटा होगा। और तीसरा वरदान, सदा बहारी रहबा, हरदम हरा भरा रहबा। चौथा वरदान दिया कि आपके वृक्ष के नीचे बड़ी ठंडाई रहेगी, क्योंकि आपके पास आज से ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, तो सबसे ज्यादा आप ऑक्सीजन बाहर करेंगे जिससे जनजीवन प्रभावित नहीं होगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहदबा की जनक लली, सब तो ठीक बा, फल्गु नदी सूखी हो गई, अब पिंडा दान कैसे होई? कैसे होई तो बतावत कहाँ है बाबूजी? अरे फल्गु नदिया के तीरे बदली समाना हुआ, सीता कुंड के बालू से अब राम भरोसे मोतीलाल जी सत सत नमन बिहारी, लिखते राम सुफल लोचन नादान जी स्वर्गे सिधारी।